हेलो दोस्तों, अभी चल रहा है 2021 और अभी अगस्त का मंथ है। अगर आपको अभी भी क्रोमकास्ट को लेकर परेशानी आ रही है तो मैं इसका एक बहुत अचूक और एक रामबाण इलाज आपको बताने वाला हूँ। आप अपने स्मार्ट टीवी, अपने मी बॉक्स, अपने मी टीवी स्टिक, अपने फायर स्टिक, जो भी आपके पास सपोर्टेबल क्रोमकास्ट डिवाइसेस है, उसमें ये वाला ट्रिक करिए। आपकी क्रोमकास्ट या डिवाइस को कास्ट करने की जो प्रॉब्लम है, आई थिंक वो सॉल्यूशन हो जाएगी। इलाज काफ़ी पुराना है बट आई थिंक उसको हमेशा अपडेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक का सब्सक्रिप्शन हमको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं प्लीज़ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं उसका आंसर। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपका Xiaomi का Mi TV है, Xiaomi का Mi Box है, Xiaomi का Mi TV Stick है, तो तीनों पे मैंने ये ट्रिक अप्लाई करके देखा है, सभी पे काफ़ी अच्छी परफेक्टली तरीके से ये काम कर रहा है। अब आपकी कई सारी प्रॉब्लम आती है कास्ट में, स्क्रीन स्टक्ड हो जाना, स्क्रीन रुक जाना, अच्छी क्वालिटी नहीं देना, या फिर कभी कभी 1-1.5 मिनट चलने के बाद या 5 मिनट चलने के बाद आपका ऑटोमेटिक कास्ट जो होता है वो रुक जाता है, तो उन सभी का सॉल्यूशन है। तो अभी मैं फटाफट से ले चलता हूँ मेरे टीवी की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये मेरा Xiaomi का टीवी है, 4A Pro 32 इंच का। इस पर मैंने कास्ट करने के लिए दूसरे स्मार्टफोन में गूगल होम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। अभी ये टीवी और मेरा फ़ोन दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क पर है, जियो के राउटर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उससे कनेक्टेड है। देन मैंने गूगल होम एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ पर नीचे कास्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी देखिए पैचवॉल पे स्विच किया हुआ है मैंने टीवी। अब नीचे जो कास्ट का ऑप्शन है, मैं करूँगा इस पर क्लिक, वॉल्यूम अप एंड डाउन करके चेक करेंगे क्या ये कनेक्टेड है या नहीं। ओके, तो परफेक्टली वॉल्यूम अप एंड डाउन पर काम कर रहा है। अब हम इसको कास्ट करके देखते हैं कि क्या ये कास्ट पे वर्क करेगा या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने किया यहाँ पर गेट कास्ट स्क्रीन पर क्लिक, देन उसके बाद देखा तो वो सेम स्क्रीन टीवी पर आ चुकी है। अब मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ कुछ और चला के क्या वो टीवी में चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों, मैं फ़ोन में स्क्रीन बदल दी है, परंतु जहाँ की स्क्रीन है वहीं के वहीं सेम दिख रहा है, कोई भी परिवर्तन कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे नीचे जो दिखाई दे रहा है स्टॉप मिररिंग, उसे स्टॉप मिररिंग करता हूँ, शायद नहीं हुआ, एक बार फिर से कनेक्ट करके देखते हैं, जस्ट ट्राई करके देखते हैं क्या कनेक्ट होता है या नहीं। दोस्त, सेम प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है शायद आपको भी आ रही होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सभी के लिए सेम तरीका करना है। तो अभी भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ फ़ोन की स्क्रीन, तो ये चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मैं इसे करता हूँ एक बार वापस से क्लोज़। अब मैं काम ये करता हूँ कि इस टीवी को एक बार बंद करके चालू करके देखता हूँ, शायद हो जाए, बट मैं उसके पहले सेटिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं अपन टीवी की सेटिंग में। सेटिंग में एडिशनल सेटिंग, अगर आपके टीवी में पैचवॉल में किया है तो एडिशनल सेटिंग के अंदर एप्स का ऑप्शन आएगा, और अगर एंड्रॉयड में है तो डायरेक्ट सेटिंग के अंदर एप्स का ऑप्शन आ जाएगा। एप्स के अंदर सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल ऐप करेंगे, फिर सिस्टम ऐप करेंगे। तो अभी जो हमें ऐप चाहिए वो यहाँ मिल नहीं रही है। दोस्त, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके 100% सॉल्यूशन हो सकता है इसमें। तो यहाँ आपको फिर करना है और फटाफट से चलना है सी पर, मतलब कि हमें जिस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है, इसका नाम है क्रोमकास्ट बिल्ट इन, इसे कर लेंगे हम ओके। ओके करने के बाद इसमें यहाँ पे नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है क्लियर कैच, तो सबसे पहले क्लियर कैच कर देंगे। क्लियर डेटा का भी एक ऑप्शन है, तो क्लियर डेटा से क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, और याद रहे दोस्तों दो बार कर दीजिए, कभी कभी बग की वजह से क्लीन नहीं होता है। तो अब हम करते हैं हमारी टीवी को रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने बाद अब चालू होने देते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होता है या नहीं। तो मैं वेट करता हूँ टीवी चालू होने का। तो दोस्त, ये हो गई ये टीवी मेरी चालू। फटाफट से अपन ने टीवी को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया वीडियो को। अब वापस से कास्ट को मैं करता हूँ ओपन, पर इसके पहले ध्यान रहे दोस्त, अपने अपने फ़ोन से सारी एप्लीकेशंस को एक बार क्लियर कर लीजिए, मतलब कि
गूगल होम को एक बार पूरी तरह से बंद कर दीजिए मेमोरी से। फिर से हमने किया ओपन, ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ नीचे कास्ट का ऑप्शन आता है नहीं। तो जी दोस्त, कास्ट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर कनेक्ट टीवी और मेरा स्मार्टफोन है। अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं, ज़रा हम करके देखते हैं। तो अभी मैंने किया क्लिक कनेक्ट पे, मतलब क्रोमकास्ट पे, क्रोमकास्ट के बाद फिर वॉल्यूम अप डाउन किया, तो यहाँ तक तो हो रहा है। आई थिंक अब ये बस चालू हो जाए, यही चाहते हैं। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ कास्ट स्क्रीन पे क्लिक। कास्ट स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं करता हूँ बेक, और बेक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये बेक हो रहा है या नहीं। तो दोस्त, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है। ये ब्लर वीडियो क्यों बन रहा है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, फोकस नहीं हो रहा था, देन अब मैंने कर दिया इसको ओपन। अब देखते हैं हम चला के YouTube, देन YouTube में जाके हम चेक करते हैं रेंडमली कि क्या ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया YouTube ओपन। अब यहाँ याद रहे YouTube पे अपना चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है तो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ चैनल को, फ़ोन के माध्यम से सर्च करके, ताकि आपको सब्सक्राइब करने में आसानी रहे। अभी तो वीडियो के नीचे लाल का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये अपना एक छोटा सा चैनल है जिस पर अपन अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार दोस्त, थोड़ी सी तो मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर दो यार दोस्त, प्लीज़। आपसे ये टेक्निकल टॉक हिंदी, इसका एक वीडियो प्ले करके भी देख लेते हैं क्या वीडियो प्ले हो रहा है अच्छा है या नहीं। फ़ोन की प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो है क्योंकि मेरे पास है Redmi 4, काफ़ी ओल्ड वाला फ़ोन है और बहुत समय से मैंने आज तक इसको रीसेट भी नहीं किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो चलता है। तो यहाँ अच्छा काम कर रहा है। ओफ, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं साथ साथ में, हम ही कर देते हैं, ज़्यादा लाइक नहीं मिल रहा। तो बट आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट आएगा। तो आई थिंक दोस्त, बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि आप किस तरह से अपने टीवी को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कनेक्टिविटी इशू आता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आता है, तो जो तरीका मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये तरीका एक बार ट्राई करके देखिए। क्रोमकास्ट को लेकर फिर भी कोई इशू आता है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे। तो देखा दोस्तों आपने, किस तरह से कास्ट को लेकर परेशानी आ रही थी। मैं अपने फ़ोन को अपने टीवी से, अपने स्मार्टफोन को टीवी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जो कि मेरे पास स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन रह जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।